सलमान खान को जेल में 5 साल के लिए सजा सुनाई गई। ब्लैकबक पॉइचिंग केस में अन्य अभिनेता प्राप्त हुए। सलमान खान जोधपुर अदालत में उपस्थित थे और उनके सह कलाकार सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम के साथ ब्लैकबक मामले के फैसले के लिए उपस्थित थे। सलमान खान को दोषी पाया गया है और उसे जेल में 5 साल की सजा सुनाई गई है। अन्य कलाकारों को बरी कर दिया गया है। भारत के सबसे बड़े सितारों में से एक सलमान खान को 20 साल पहले राजस्थान में 2 लुप्त प्राय ब्लैकबक की हत्या के लिए गुरुवार को जेल में 5 साल की सजा सुनाई गई थी। 1998 में हम साथ साथ हैं का शुभकामना करते हुए जोधपुर के निकट जंगलों में दुर्लभ हिरणों को शिकार करने के लिए 52 वर्षीय एक अभिनेता को एक न्यायाधीश ने दोषी ठहराया था। उनके जमानत का अनुरोध कल सुन लिया जाएगा। फिल्म में उनके सह सितारों सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम कोठारी को बरी कर दिया गया। न्यायाधीश ने कहा, जिस तरह से अभियुक्त ने वन्य जीव कानूनों के उल्लंघन में 2 निर्दोष ब्लैकबकों को मार दिया था, वह एक फिल्म स्टार हैं, लोग उसे अनुकरण करते हैं। शिकार की घटनाओं में वृद्धि हुई है, इसलिए उदारता उचित नहीं है। सलमान खान, जिसने अपनी भाग्यशाली काली शर्ट के रूप में जाना जाता है, उसे सीधे अदालत से जोधपुर सेंट्रल जेल तक ले जाया गया, जहां उन्होंने पहले 3 संक्षिप्त डॉक्यूमेंटों की सेवा की थी। उनके खिलाफ मामला बिश्नोई समुदाय के सदस्यों द्वारा लाया गया था, जो प्राचीन काल में आदर करते थे। समुदाय ने लगभग 2 दशकों तक इस मामले को आगे बढ़ाया है और अदालत के बाहर पटाखे को बंद करके आज के फैसले पर खुशी जताई है। अक्टूबर 1998 में बिश्नोई के एक गांव के पास मच्छरों की गोली मार दी गई, जब अभिनेता अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए दिन की शूटिंग के दौरान शिकार करने लगे। अदालत ने 28 गवाहों को सुना, जिसमें गांव वाले शामिल थे, जो गोलियों की सुनवाई पर अपने झोपड़ियों से बाहर निकल आए थे। सलमान खान ने ब्लैकबक्स का झुंड देखा था और उनमें से 2 को गोली मार दी थी। अदालत ने बताया था, बिश्नोई ने आरोप लगाया कि उन्होंने एक बाइक ली और जिप्सी का पीछा किया, जो सलमान खान चला रहा था। पिछले 2 दशकों में सुनवाई में अभिनेता ने जोर देकर कहा कि उसे फंसाया जा रहा है। रिपोर्टों में कहा गया है कि जानवरों को ज्यादा खा रहा था या वे कुत्तों द्वारा मारे गए थे, भी अदालत में प्रस्तुत किए गए थे। 2009 में एक साक्षात्कार में सलमान खान ने कहा था कि उन्होंने हिरण बचा लिया और बिस्कुट खिलाया। हमने एक झाड़ी में पकड़े हुए एक फेंक को देखा था, वह डर गया था, मैं उसे वहां से बाहर ले गया, उसे कुछ पानी दिया, पूरे झुंड थे, फौरन कुछ बिस्कुट खा गए और चले गए। सलमान खान भारत में सबसे अधिक विश्वसनीय सितारों में से एक है और ताकतवर खान की एक तिहाई जो हिंदी फिल्मों को नियंत्रित करता है। लगभग रूप माना जाता है कि मुंबई फिल्म उद्योग में 600 करोड़ रुपए सवार हो रहे हैं। बॉलीवुड 2015 में सलमान खान को 2002 के एक हिट एंड रन मामले में मंजूरी मिली, जिसमें उसकी टोयोटा लैंड क्रूजर मुंबई के बांद्रा में एक फुटपाथ पर सो रही थी। पिछले साल जोधपुर की एक अन्य अदालत ने एक अलग शिकार मामले में खान को बरी कर दिया था। इस फैसले पर कि कोई भी सबूत नहीं था कि खान ने लुप्त प्राय गजल को मार दिया था। बॉलीवुड में भाई भाई के रूप में जाना जाता है सलमान खान, अपने करियर के शीर्ष पर अपने विवादों के लिए कुख्यात थे। 10 साल पहले उसने रिब्रांडिंग शुरू किया, एक दीक्षा ह्यूमन लॉन्च किया और एक अधिक समृद्ध दयालु पक्ष पेश किया।